हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। तो आज के इस नए वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने जाएंगे वीकली जो बीटा अपडेट था, जो नया अपडेट आया है 8.10.11 के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार शाओमी ने मतलब एक दो सप्ताह वीक के बाद ये अपडेट दे ही दिया है। तो ये नया अपडेट आया है 8.10.11। तो ये 11 को तो नहीं आया है, 12 को आया है। इस बार फ्राइडे को आया, पहले गुरुवार को मतलब बृहस्पति को ही दे दे रहे थे, वो थर्सडे को ही दे दे रहे थे, पर अब इस बार फ्राइडे को अपडेट ये मिला है। तो क्या भाई अपडेट में क्या इन्होंने चेंज किया भाई? तो चेंज लॉग देखा जाए यहाँ पे व्हाट्स न्यू में, तो व्हाट्स न्यू में भाई अगर इतने दिन आप लोग वेट लगाते हो तो कम से कम चेंज लॉग तो सही से बनाया करो यार। इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, तो यही बस लिखा हुआ है भाई। तो चलिए हम लोग जो ग्लोबल रेट है उसमें लिखा हुआ है क्या भाई, तो उसमें क्या आया है तो हम लोग चेक किया जाए। यहाँ पे चेंज लॉग है, यहाँ पे जो दिया हुआ है तो चेंज लॉग में मी ऐप आइकॉन्स इज नॉट शोइंग इन नोटिफिकेशन पैनल। तो MI के कुछ आइकॉन्स मतलब ऐप्स के आइकॉन नोटिफिकेशन पैनल में नहीं शो हो रहे थे, उन्हें फिक्स किया गया है। डिजिटल मैसेजेस शोड ऑन सिस्टम ऐप्स अपडेट बट देर आर नो अपडेट नीड टू बी अपडेटेड। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम अपडेट मतलब जो आपका यहाँ पे अपडेटर ऐप में क्या यहाँ पे अपडेट दिखाता था पर वो अपडेट रहता नहीं था, तो ये इसे फिक्स किया गया है। मी क्लाउड है स्टॉप्ड, तो मी क्लाउड सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसे किया गया है। वॉन्ग डेट फॉर्मेट इन जर्मन वर्जन, तो इसे कुछ चेंज किया गया है, जर्मन वर्जन में दिक्कत आ रही थी उसे फिक्स किया गया है। उसके बाद व्यू सिम कार्ड स्पेस शोड ब्लैंक नेम्स फॉर सिम व्हेन ओपन डायरेक्टली फ्रॉम सेटिंग। जो जब आप यहाँ से सेटिंग से जाकर के सिम कार्ड में जाते थे और यहाँ से आप उसका डेटा देखते थे कि कितना बचा हुआ क्या है, तो उसमें ये पंगा करता था, तो इसे फिक्स किया गया। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ बग्स अपने ढंग से बोलूँ तो पहले ये बग्स आता था कि जैसे कि अगर आप कोई भी जैसे मान के चलो पबजी आप इसे ऑन किया और ऐसे ऑन कर रहे, और ऑन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से नीचे करोगे तो साइड के आइकॉन्स छोटे हो जाते थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस साइड आपको दिख रहा होगा वीडियो, कुछ ऐसा वो वीडियो था, जैसे ही आप करते थे तो ये कुछ ऐसा में चेंज हो जाता था। उसके अलावा क्या चेंज आया भाई? तो उसके अलावा मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अपडेट आए हुए, तो मेरे को उतना पता तो नहीं है कि क्या चेंज आया, पर एक चेंज जो बहुत ही मेजर अपडेट में इस बार बोलूंगा, ये जो अपडेट आया है वो है नोट 4 के लिए। तो उसमें भाई आपका बैक में आपका पोर्ट्रेट मोड आ गया है, फ्रंट और बैक में दोनों में पोर्ट्रेट मोड आ गया। मैंने चेक कर लिया है अपडेट में, मेरे पास जो नोट 4 था उसमें मैंने चेक कर दिया, उसमें फ्रंट और बैक दोनों में आपको पोर्ट्रेट मोड आ गया है कैमरे के ऐप में। तो इस बार का अपडेट नोट 4 के लिए सबसे बेस्ट अपडेट मैं बोलूंगा कि उन्होंने आखिरकार इनेबल कर दिया बैक और फ्रंट में आपका दोनों में पोर्ट्रेट मोड सही ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस अपडेट में यही था, इसके अलावा तो मेरे को कुछ मिला नहीं। सिस्टम स्टेबिलिटी ये सारी चीज़ें लगभग वही है, कुछ जो चेंज आता नहीं था वो चेंज ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं तो वो चलिए उसके लिए सही मैं बोलूँगा, पर ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं है इस अपडेट में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल बटन को दबा करके ब्लू कर देना, इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, पीस आउट।